घूमते हुए पंखे में धूल क्यों जम जाती है? और एक ऐसी बिल्ली जिसकी पिछले 5 सालों से एक गार्ड से लड़ाई चल रही है, लेकिन क्यों? और क्या आपको पता है कि हमें पानी पीने के लिए कौन सा गिलास इस्तेमाल करना चाहिए? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 10, रशिया में एक फुटबॉल स्टेडियम बन रहा था, पर वो फीफा की ऑडियंस कैपेसिटी के लिए बहुत छोटा था, जिसके लिए रशिया को और सीट्स ऐड करने पर फोर्स किया गया। और एक बार देखो रशिया ने कैसे सीट्स को ऐड किया है। क्या आप ऐसी सीट्स पर बैठना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 9, गाइस ये फनी फैक्ट है, पिछले 5 सालों से एक कैट और एक सिक्योरिटी गार्ड की लड़ाई चल रही है। एक आर्ट म्यूजियम है जिसमें एक कैट किसी रीजन से अंदर जाना चाहती है, पर अगर ये अंदर चली गई तो क्या पता ये पेंटिंग फाड़ दे, जिसके चलते सिक्योरिटी गार्ड पिछले 5 साल से रोज इस कैट को अंदर जाने से रोकता है। और ये कैट भी दिन में एक बार इस म्यूजियम के अंदर जाने की कोशिश करती है, पर कैट आज तक एक ही बार अंदर नहीं जा पाई है। फैक्ट नंबर 8, इस साल 2020 में IIT और JEE के लिए 13 लाख बच्चे आए थे। इतने बच्चे आइसलैंड की पॉपुलेशन से भी दोगुना ज्यादा हैं। इससे आप समझ गए होंगे कि कोविड के फायदे कितने बच्चों ने उठाए होंगे। 2020 में जो लोग IIT और JEE देना भी नहीं चाहते थे, उन्होंने भी दे दिया और काफी मात्रा में बच्चे पास भी हो गए थे। फैक्ट नंबर 7, ये जो चिप आपको दिख रही है इसका साइज एक सिक्के से भी कम है, पर इसके बावजूद ये 3,60,000 GB का है। और अगर इस डिस्क को छेड़ा ना जाए तो ये 13.8 बिलियन सालों तक सही सलामत रह सकता है, यानी कि खुद अर्थ से भी ज्यादा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका काम क्या होगा। तो अगर दुनिया खत्म हो जाए और कुछ लोग जिंदा बच जाए तो वो लोग इसमें सेव इम्पोर्टेंट डाटा से फिर से सिविलाइजेशन खड़ी कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, गज हिरण के सींग कभी भी हिलते नहीं, जिसके चलते कई बार मकड़ी अपना जाला हिरण के सींग के बीच में बना देती है। और यहाँ भी यही हुआ, इसके सींगों के बीच में 5-6 अलग अलग मकड़ियों ने घर बनाया, जिसके चलते यह किसी धागे जैसा लगता है जो हिरण के सर पर बंधा हुआ है। फैक्ट नंबर 5, गाइस चाइना में रहने वाले एक शख्स की कुकिंग करते वक्त मौत हो गई, वो भी सांप के काटने की वजह से। शॉकिंग बात ये है कि ये पिछले कई सालों से सांपों को पका के बेच रहे थे, पर फिर भी इनको पता नहीं था कि सांप के सर कटने के कई घंटों तक सांप जिंदा रहता है। इसलिए उसके कटे हुए सर को इस बार इन्होंने गलती से बिना किसी सेफ्टी के उठा लिया, क्योंकि इनको लगा कि इन्होंने सांप को 20 मिनट पहले काटा था और अब ये जिंदा नहीं होगा। पर वो जिंदा था और उसमें जहर भी था, जिसकी वजह से उस सेफ की 5 मिनट में मौत हो गई, क्योंकि सांप ने उस आदमी को कई बार काट लिया था। फैक्ट नंबर 4, जिस आदमी ने बार्सिलोना शहर का मैप बनाया था, बार्सिलोना में घर कैसे बनेंगे, उनके मरने के बाद उनका जो कॉफिन था उसे सेम बार्सिलोना मैप की तरह बनाया गया था, क्योंकि ये उनका ग्रेटेस्ट वर्क था। कॉफिन डिजाइन करने वाले ने भी सारी माइनर डिटेल्स का ध्यान रखा और एकदम परफेक्ट कॉफिन डिजाइन बनाया है। फैक्ट नंबर 3, गाइस फॉरेन के कई होटल्स में जो नींबू होता है वो एक मैश के साथ दिया जाता है। मैश दरअसल एक टाइप का नेट होता है जो कि नींबू के बीज को बाहर निकलने से रोकता है, जो कि आपके खाने में गिर सकता है, और इसके चलते आप बिना किसी चिंता के नींबू को निचोड़ सकते हो। फैक्ट नंबर 2, गाइस घूमते हुए पंखे में धूल कैसे और क्यों लग जाती है? घर के पंखे साफ करते हुए आपने कई बार ये सोचा होगा कि पंखे आखिर गंदे कैसे हो जाते हैं, क्योंकि पंखे इतने फास्ट घूमते हैं फिर भी उस पे धूल कैसे जम जाती है। तो दरअसल जब पंखे घूमते हैं तो वो पहले पीछे से हवा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और फिर हवा को पुश करते हैं, और इस प्रोसेस के चक्कर में पंखे में सराउंडिंग की नमी लग जाती है और धूल फिर उस नमी से चिपक जाती है, और धीरे धीरे करके पंखे पे धूल जमती जाती है और ये इतनी मजबूती से चिपकती है कि वो पंखे के घूमने से भी अपने आप साफ नहीं होती है। और गर्मी में पंखे ज्यादा गंदे होते हैं क्योंकि गर्मी में नमी ज्यादा होती है। फैक्ट नंबर 1, गाइस पानी पीने के लिए कौन सा गिलास इस्तेमाल करना चाहिए? आप किस में पानी पी रहे हो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि अगर आप मिट्टी के गिलास में पानी पीते हो तो आपको अपने पानी में मिट्टी की गंध आएगी, जो कि बहुत अच्छी होती है, और मिट्टी की गंध से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। इसलिए कई बार कहा जाता है कि फिल्टर का पानी भी मिट्टी के मटके में डाल के पीना चाहिए। और अगर बात करें तांबे की, तो तांबे के बर्तन में पानी पीना बहुत सही माना जाता है, अगर हम पानी को सुबह सुबह पिए तो। लेकिन तांबे के बर्तन में कभी भी ज्यादा गर्म पानी, नींबू पानी और दूध डाल के नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये बहुत नुकसान करेगा। फिर आता है कांच का गिलास, इससे ना ही आपको कोई गंध मिलती है और ना ही आपको कोई हार्म पहुंचता है, और इसलिए केमिकल को कांच के गिलास में रखा जाता है। और फिर आता है प्लास्टिक का गिलास, प्लास्टिक से भी आपको कोई गंध नहीं मिलती पर बहुत ज्यादा हार्म पहुंचता है। और अगर आप प्लास्टिक में रोज गर्म पानी पीते हो तो आपको कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।